अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई किया हुआ मटन। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम्स मटन, और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमको नमक और लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन, तेल। नमक और मिर्ची अपनी टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं आप। सबसे पहले हम इसमें मटन में डालेंगे नमक 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए आप। और इसके बाद लेंगे 1 टेबल टीस्पून फुल अदरक लहसुन, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हल्दी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल मिला लेंगे। अब इसको पैन में डालने के बाद इसको पैन में डालने के बाद इसको ढक दीजिए। इसको 2-3 मिनट तेज आंच पर रखने के बाद थोड़ा सा हिलाइए। टू टू थ्री मिनट्स तेज आंच पर रखिए। इसके बाद इसको मीडियम आंच पर कर दीजिए। गोश्त पूरा गलना चाहिए और पानी इसका पूरा सूखना चाहिए। बीच बीच में चेक करते जाइए गोश्त का पानी सूखा या नहीं सूखा। गोश्त में से, मटन में से पानी सूख गया है, अभी नहीं सूखा, अभी थोड़ी देर 10 मिनट्स के बाद देख चेक करिए इसको। अब हमारा गोश्त गल के तैयार है। इसका पानी पूरा सूख गया और तेल छूटने लगा। थोड़ा सा अपन चेक कर लेना गोश्त गला या ना गला। थोड़ा सा गोश्त को चेक कर लीजिए आप, गला गला या नहीं गला। गोश्त गल गया, फ्राई करना है इसको। आंच तेज, थोड़ी तेज करिए। तो थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। गोश्त थोड़ा ब्राउन होना और तेल भी अच्छा छूटना चाहिए। ब्राउन होने लगा, अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करिए। मैं नमक और हल्दी, अदरक लहसुन डाली थी, मगर मिर्ची नहीं डाली थी। मिर्ची लास्ट में डाल रहा हूँ क्योंकि पहले डालने से जल जाती, इसलिए आखिरी में निकालने से पहले फ्राई करके निकालना। अब इसमें लास्ट में जाएगा थोड़ा सा अदरक लहसुन डालिए और स्लो कर दीजिए आंच को। मिर्ची जल जाती, 2 टीस्पून मिर्ची डालिए। थोड़ा कम बढ़ के अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं आप, क्वांटिटी के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ के करिए। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत अच्छी बनेगी ये।
ये हमारे घर की फेवरेट रेसिपी है। इसको डिश आउट करने से पहले थोड़ी इसमें हरी मिर्ची, थोड़ी हरी मिर्ची डाल के थोड़ा फ्राई करिए, थोड़ा सा तले जाना। अगर आपको टाइम कम है तो आप कुकर में गला के भी ऐसा फ्राई कर सकते हैं, टाइम भी कम लगता, बचत होती टाइम की, गैस की बचत होती। अब ये गोश्त तैयार होने लगा हमारा, अब करिया पके पत्ते डाल दीजिए इसके ऊपर से। थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूखने लगी है। ये करियापा के पत्ते और ये हरी मिर्ची थोड़ी अच्छी तली गई, तली जाना, अच्छी से स्मेल आने लगती इसकी। चलिए ये भी कुछ ही देर में हो जाएगा। आपके पास टाइम कम है तो आप कुकर में गला के ऐसे फ्राई करिए। देखिए ये हमारा गोश्त तैयार हो गया, ब्राउन और बहुत मज़ेदार और बहुत खुशबू बहकने लगी है इसकी। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप कुकर में गला के फौरी फ्राई कर सकते हैं। चलो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हम इसको डिश आउट करके जी हमारा गोश्त तैयार, तले हुआ गोश्त तैयार है। आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।